से चार बच्चों के साथ अपने पबजी वाले प्रेमी के लिए भारत आई सीमा हैदर को लेकर रोजाना नई बातें और नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब कर जाना है। वाकई मोहब्बत तमाम इम्तिहानों के दौर से गुजरती है, लेकिन अगर वो वाकई मोहब्बत हो तो उसे फिर किसी का डर नहीं, और अगर उस मोहब्बत में साजिश का कोई सिरा जुड़ा हो तो फिर कयामत ही कयामत है। फिलहाल पबजी वाली पाकिस्तान से आई सीमा भाभी एटीएस के सवालों का जवाब दे रही हैं, क्योंकि एक एक सही जवाब उन्हें जिता सकता है सचिन, और एक गलत जवाब उन्हें भिजवा सकता है जेल या फिर पाकिस्तान। यूपीए एटीएस ने सीमा हैदर की पूरी कुंडली खंगालने के बाद पूछताछ शुरू की है। आज हम आपको बता रहे हैं वो सवाल जिनके सही जवाब या तो सीमा को क्लीन चिट दे सकते हैं या फिर मुश्किल में डाल सकते हैं। दरअसल एटीएस को सीमा हैदर पर भरोसा नहीं है। सीमा का उठना बैठना चलना फिरना और बोलने का एक्सेंट सब कुछ कहीं से भी नहीं लगता कि वो उर्दू बोलने वाली हो सकती है। फिलहाल एटीएस के सामने पहेली ये है कि सीमा हैदर किसी तरह कराची से शारजा और फिर शारजा से नेपाल और फिर नेपाल से रबुपुरा अपने चार बच्चों के साथ पहुंची। बड़ा शक यह है कि सीमा की उम्र के हिसाब से चार बच्चे भी कई सवाल खड़े करते हैं। अगर सीमा पर जासूस होने के आरोप लग रहे हैं तो फिर ये भी हो सकता है कि चार बच्चे सीमा पर जासूसी के शक को मिटाने का एक मुकम्मल जरिया हो, जो गुलाम की तरफ हिंदुस्तान भेजे गए हों। यही वजह है कि एटीएस एक एक शख्स से पूछताछ कर रही है जो सीमा के हिंदुस्तान आने के लिए जिम्मेदार है। अब आपको बताते हैं कि एटीएस के क्या सवाल हैं जिनको सुनकर सीमा को भी कभी गुस्सा आया होगा, तो कभी वो परेशान हुई होगी तो कभी वो खामोश रही होगी। क्या तुम्हारी दोस्ती सचिन से वाकई पबजी खेलते वक्त हुई? तुम दोनों की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? सोशल मीडिया पर तुम्हारे कितने अकाउंट हैं? भारत आने तक किन किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया? कराची में शारजा और शारजा से नेपाल कैसे आई? काठमांडू में किस होटल में तुम दोनों कब तक रुके और किस मंदिर में शादी की? पाकिस्तान में जो मकान तुमने बेचा उसका सबूत क्या है सीमा? तुम्हारे पति गुलाम हैदर का सच क्या है? क्या चारों बच्चे असल में तुम्हारे ही हैं? पांचवीं पास हो फिर तुम्हें इतनी अच्छी हिंदी और अंग्रेजी कैसे आती है? क्या तुम किसी पाक एजेंसी के संपर्क में तो नहीं? तुम्हारा सचिन से पहले भी कोई भारतीय दोस्त था? क्या नोएडा में तुमने किसी और से भी संपर्क किया था? नोएडा पुलिस ने इन सवालों में से कई सवालों को हल कर लिया है। काठमांडू में पुलिस को सोर्सेज से होटल और दोनों के शादी वाले सवाल का जवाब मिल गया है। इसकी पूरी जानकारी नोएडा पुलिस के पास है। वहीं एटीएस की एक टीम नेपाल जाएगी और शारजा एयरपोर्ट पर जाकर जानकारी इकट्ठा की जाएगी। खबर है कि जानकारी जुटाने के लिए लखनऊ पुलिस की भी मदद ली जा सकती है, और अगले आने वाले दिनों में भी इन सभी सवालों से पर्दा उठने की भी उम्मीद है।